हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में AIB 17 के क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था। इन दिस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करने वाले। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मिस्टर कपूर परचेस्ड अ रेजिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फॉर ₹80 लाख। ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 2022 फॉर ₹94 लाख। इन दिस केस द गेन ₹14 लाख arising on account of sale of residential house will be charged to tax under which of the following heads? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपके इनकम टैक्स एक्ट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर मंजोत इज अ ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज मिस सिंह ट्रेडर्स। द ऑफिस ऑफ द फर्म इज लोकेटेड इन दिल्ली, वेयर एज इट्स गोडाउन आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर रिस्पेक्टिवली। मिस सिंह ट्रेडर्स मेड फॉरेन इंटर स्टेट सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका पहला है दिल्ली, जहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज आपकी इतनी है। पंजाब में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इतनी ही है। उत्तर प्रदेश में आपकी टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इतनी ईच रिस्पेक्टिवली है, और जम्मू एंड कश्मीर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इतनी आपकी, ठीक है। एसर्टेन द स्टेट्स इन विच मिस्टर मंजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST, ठीक है। अब उनको कहाँ करवाना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए GST के लिए, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइमरी GST स्लैब्स फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर आर प्रेजेंटली पैक्ड एट। देखिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है आपके इनकम टैक्स एक्ट का। इसका राइट आंसर आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, अगर नहीं पता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आपका स्टेट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज, कौन सी देखिए कंडीशन होनी इसके लिए वैलिड है, ठीक है। इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, इफ ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज, ध्यान रखिएगा 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपके इनकम टैक्स एक्ट से। देखिए क्वेश्चन देखिए। ए डैश एन इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाई द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मैरिट्स ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली एंजॉयड फ्रॉम द एक्सर्शन ऑफ ए राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच कुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पूछा गया। सेक्शन 37 में आपको इसका आंसर क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परपेचुअल। क्वेश्चन देखिए। According to Section 5 of the Specific Relief Act 1963, a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided in. देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है सिंपल से, सिंपल क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 5 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, आपको सेक्शन 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एंड ऑथराइज हिम टू रिटेन सच पोजेशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अक्वायरिंग फॉर द प्रॉपर्टी इन लियू ऑफ इंटरेस्ट और इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एंड डैश मॉर्गेज। देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपके सेक्शन 58 सब क्लॉज डी ऑफ TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। देखिए, ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये आपके बहुत लैंडमार्क केस है, आपको इसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट मोस्टली स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी द प्रोप्राइटर ऑफ ए न्यूज पेपर पब्लिशेज एट ए इज लाइबल अपॉन सी इन द पेपर एंड ए एग्रीज टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पब्लिकेशन एंड ऑल कॉस्ट एंड डैमेजेस ऑफ एन एक्शन इंस्पेक्ट देयर ऑफ। बी इज सूड बाय सी एंड हैज टू पे डैमेजेस एंड ऑल्सो इनक्योर्ड एक्सपेंसेस डिसाइड इन द लाइट ऑफ द 224 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ए इज नॉट लाइबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी। क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन होम द एजेंट नेम्स टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड
अथॉरिटी टू नेम इज कॉल्ड। देखिए सिंपल सी बात, एजेंसी के टॉपिक्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सेक्शन 194 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेक्शन 194 ध्यान रखिएगा, बात करता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सर आपके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आपका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट से, ठीक है। चारों ही ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 मींस एन एनी पर्सन अदर देन डैश। देखिए ये क्वेश्चन फिर वही बात है, आपके लैंड एक्विजिशन से पूछा गया, ठीक है। और हमारे पास ध्यान रखिएगा, कभी हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ देम, अगर हमें नहीं पता चला या इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ऑल ऑफ देम पर लगा दीजिएगा, मोस्टली वही होता है आपका आंसर, ठीक है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। देखिए आपके IPR से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ट्रेडमार्क आपके IPR का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से। सेक्शन 3 में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। इसका देखिए वैसे राइट आंसर ऑप्शन ए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट नहीं है आपके इनमें से, कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट है, डिज़ाइन भी है, पेटेंट भी है, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल इंडिकेशंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिस्टोरिकल इंडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेटिव डिक्रीज अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसका देखिए आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन पूछ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ। Which of the following is not a negotiable instrument as defined under the Negotiable Instrument Act 1881? ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे याद है नॉट करके, नो इनमें से कौन सा नहीं, तो ध्यान रखिएगा उस वर्ड पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट ऐसे लगा देते हैं, अरे यही तो यही है, ये तो ये, नॉट पर भी फोकस करे अरे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सेक्शन 13 से, सेक्शन 13 ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बिलिंग रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत चर्चित लॉ रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आपके 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए जो आपके अमेंडमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मोस्टली रहते हैं, उनको भी आप ध्यान रखिए, दैट फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर भी फोकस रखिएगा, क्या पता आपका एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 एंड देयरफॉर इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। देखिए ये भी एक बहुत जनरल क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, और आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, आर्टिकल 44। राइट आंसर ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं DPSP भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ डैश और एनी ऑफ देम बी ineligible फॉर और discriminated against in respect of any employment or office under the state. आर्टिकल 16 से पूछा गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको इसका आंसर आर्टिकल 16 में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा क्या है, अगर आपको इसका राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस एंड आर्टिकल 143 शैल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर वही बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया, और कॉन्स्टिट्यूशन से आते ही बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 143, ठीक है, 143 को आपको रिलेट करना है आर्टिकल 145 के सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 145 के सब क्लॉज 3 में इसका आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी, 5 आपके 5 मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो डैश शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300A में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी आपके ये 17 की, उसमें ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया और उनको मतलब ऑप्शन ही गलत लगे, हो सकता है क्या, कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। वैसे मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, आर्टिकल 393, ठीक है, वैसे ही डिलीट कर दिया था, इसके मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स FR गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 ऑफ IPC एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय ए चाइल्ड, ठीक है। आपको देखिए IPC से क्वेश्चन पूछा गया और सेक्शन भी लिख रखे 82 83, वहाँ पर आपको इमीडिएटली इसका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑफ अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स हैविंग अटेंड सफिशियंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पैनल लाइबिलिटी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तब IPC हम पढ़ते हैं तभी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। देखिए एक मैन सीरिया होती है, एक एक्टर सीरियस होना चाहिए, ठीक है, मैन सीरिया को कहते हैं आपके गिल्टी माइंड, और एक्टर सीरिया मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, तब एक पर्सन आपकी पैनल लाइबिलिटी लगेगी, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन डैश ऑफ IPC। इसका भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया ये भी, ठीक है, IPC से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 96-106, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। सेक्शन 90 से पूछ लिया IPC, इसका भी इमीडिएटली आपको मिलेगा आंसर, ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided under, ठीक है, ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन 3(2)(299, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनिशमेंट फॉर डिफामेशन अंडर IPC इज सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू डैश और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में, ठीक है, 499 ऑफ IPC में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, आपके सेक्शन 500 ऑफ IPC में, वहाँ पर आपको इमिडिएटली इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए है, 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी डिलीट कर दिया आपके AIB के आंसर की में, ठीक है, इसका वैसे राइट आंसर मुझे ऐसे लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल डील्स विथ यूनियन लिस्ट हो क्या स्टेट लिस्ट हो कॉन्करेंट लिस्ट हो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शेड्यूल 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A ऑफ CRPC आर नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके सेक्शन 265A ऑफ CRPC से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज सेक्युलर इन कैरेक्टर वॉज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए ये वाला जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके सेक्शन 125 से, ठीक है, आपका जो CRPC मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज द पावर ऑफ समरी 12 ऑफ अ केस। देखिए हमारे पास ऑप्शन मिल गए ऑल ऑफ दीज, जैसे आपके पास ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन आए तो इसका राइट आंसर यही लगा देगा ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर भी यही ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शंस डील विद द प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। CRPC क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 61-90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वॉरंट इज नोन एज। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, स्टार्टिंग में आप CRPC पढ़ते हैं तभी आता है ये आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉग्निजिबल ऑफेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर IPC इन
इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस। ठीक है, देखिए अब आईपीसी से पूछा गया इसका आपको जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विच इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी एंड आईपीसी, ये आपका ये दे रखा है आपके आईपीसी के सेक्शन 354 में। मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन सी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ए प्लेसेस मैन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग, ए इज गिल्टी ऑफ। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आईपीसी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और जो हमारे बाकी के क्वेश्चन अब बच गए हैं उसे हम अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और हमारे AIP 17 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारे लास्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। AIP 18 एग्जाम देने वाले इस साल।